इसमें क्या क्लेम किया गया कि ये स्ट्रेटनिंग शैम्पू है, तो हाँ हल्का सा फील होता है इसको हेयर वॉश करने के बाद, तो स्ट्रेट हेड लगते हैं, बट आप जो सोचो कि एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे तो वैसे नहीं होंगे। जिनके मतलब कर्ली हेयर है एंड जिनके काफ़ी फ्रिजी हेयर है, तो उन्हें मैं रिकमेंड करना चाहूँगी वो ये बनाना शाइन शैम्पू लें, तो इससे काफ़ी शाइन आती है। आज मैंने यही शैम्पू मतलब यूज़ किया, काफ़ी अच्छे मेरी हेयर जो कि शाइनिंग लग रही है एंड काफ़ी बाउंसी भी है मेरे लग रहे हैं एंड सॉफ्ट एंड सिल्की भी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी अगर आपके फ्रीजी हेयर है एंड ड्राई हेयर है बहुत ज़्यादा, तो आप ये ग्लोएब्स का बनाना शाइन शैम्पू लो, या फिर कोई भी ब्रांड का आप ले रहे हो तो उसमें बनाना वाला अगर होगा तो वही और आप परचेज करना, क्योंकि वो काफ़ी उससे हेयर आपके स्मूथ फील होंगे आपको एंड उसके बाद शाइनिंग भी आपके लगे एंड ग्लोसी हेयर लगेंगे आपके। ओके, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ये वैक्स का भी लो अगर, लेकिन मैं ये यूज़ करती हूँ तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अगर आपको कोई और भी शैम्पू लेना हो तो उस बनाना वाला ही लेना, हेयर को देख सकते हो फ्रेंड जितने मेरे हेयर एकदम स्मूथ लग रहे हैं, एकदम सॉफ्ट सिल्की एंड ये बाउंसी। तो मैं यही रिकमेंड करूँ आपके हेयर अगर फ्रीजी है काफ़ी ड्राई है तो आप बनाना जिस शैम्पू में बनाना वही यूज़ करना। ओके, और अगर आप एक ही शैम्पू दो साल से ज़्यादा यूज़ करते आओगे तो आपकी हेयर ख़राब हो जाएंगे, तो इसके बाद एक या दो साल अपने शैम्पू को चेंज ज़रूर कर दिया करो, चेंज करना बिल्कुल नहीं भूलना ठीक। और तो ये जो शिका का वाला शैम्पू है फ्रेंड्स, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी लेना, स्ट्रेटनिंग हल्की फुल्की देगी एकदम खास नहीं, बट शाइनिंग चाहिए हेयर में तो आपको ये बनाना वाले लेना चाहिए। तो मैंने दोनों शैम्पू यूज़ किया तो मुझे तो बनाना वाले पर्सनली मुझे मेरा फेवरेट बनाना वाला है, तो मैं इसको ही रीपरचेज करने वाली हूँ एंड ये इसका कंडीशनर है। मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसमें क्या क्या है, ये सब चीज़ तो हर यूट्यूबर बताते होंगे, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो मैं ये सब चीज़ क्या बताऊँ ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँ, डायरेक्ट मैं बताऊँगी कि इसमें मुझे क्या फ़ायदा किया। तो ये वाला जो स्ट्रेटनिंग वाला इसमें लिखा जो कि आमला इंच का खाइए, तो आप जो सोचोगे एकदम स्ट्रेट है तो वैसा स्ट्रेट होने वाला नहीं, नॉर्मल होगा। ओके, नॉर्मली आपके अभी काफ़ी ड्राई फ्रिजी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप ये बनाना शाइन शैम्पू अप्लाई करो एंड ये कंडीशनर, तो ये काफ़ी आपको शाइनिंग आपके हेयर ग्लोसी और शाइनिंग आपको लगेंगे ठीक है फ्रेंड्स। तो ये छोटा सा रिव्यू था मेरा, तो मैंने आपको बता दिया जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट, मैं भी परचेस करूँगी ये बनाना वाला। और ये जो है आमला अनुष्का काई का, ये आप क्या कहते हैं आप ले सकते हैं अगर आपको लेना हो तो आपकी इच्छा, बट मैं ये बनाना वाला लूँगी। ऐसे रिव्यू आपको ये मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू सब, वो भी ऑनेस्ट वाला रिव्यू। Bye and take care friends.